हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्किन टाइटनिंग की। हम बात करेंगे स्किन टाइटनिंग की, जैसे लोगों की एज से पहले ही स्किन लटकने लगती हैं, उनके स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं और जो एज से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। तो इसी के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके स्किन को टाइट करेगी और आपके स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाएगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने घर की चीज़ों से ही मैंने ये रेमेडी बनाई है, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड लिया है, मैंने यहाँ पे मैंने एक चम्मच के लगभग कर्ड ले लिया है। ये मैंने घर का जमा हुआ लिया था। अगर आपके पास घर का है तो आप घर का ले सकते हो या फिर मार्केट का भी ले सकते हो। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लेमन। लेमन और कर्ड में दोनों में एसिडिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को टाइट करता है और आपके जो ओपन पोर्स है उसको टाइट करके आपके स्किन को निखारता है, और इससे लगाने से आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट भी होती है। तो दही और लेमन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन को, जो आपकी स्किन है जो लटक गई है, जो रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, उसको टाइट करती है। जैसे इसे लगाने के बाद अगर आप उसको ड्राई करोगे तो आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा पैक बना लेना है, उसके बाद अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है। आप डायरेक्ट इसे अप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मसाज करती हूँ क्योंकि मसाज करने से आपके फेस पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद आपको 5 to 10 मिनट्स तक इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। दोस्तों, ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर जिन लोगों को लेमन सूट नहीं होता है, टमाटर का रस भी मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर्ड्स के साथ भी लगा सकते हो। सिंपल कर्ड भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक